नीले रंग की बाल्टी रखवा देना। तभी एल्विस यादव का एक क्रिएटर के साथ में लफड़ा हो गया है, यस बेसिकली रेंटिंग वाला, जिनका नाम है समीता यादव। इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। बेसिकली ये एक क्रिएटर है जो कि ज्यादातर पॉलिटिकल मुद्दों पे अपना रील वगैरह बनाती हैं, जोक्स कॉमेडी वगैरह करती हैं। सो उसी तरीके से एक रील डाली थी जिसमें कुछ ऐसा बोली थी, मित्रों दिल्ली में बरसात हो रही है तो रिमाइंडर देना था कि नई संसद बिल्डिंग में नीले रंग की बाल्टी रखवा देना। और फिर इसी रील को ट्विटर पे शेयर करते हुए लिखे थे कि जस्ट सेइंग इट इज रेनिंग बाल्टी रखवा दो पाव पाव, जिसको देखे जब एल्विस यादव। तो इसी को कोट करते हुए और रेंटिंग गोला को थोड़ा सा ट्रोल करते हुए लिखे कि आई सपोर्ट LGBTQ। अब LGBTQ का मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे, अगर कोई नहीं जानता तो बता देना कमेंट करके भाई किसी को। जैसे एल्विस यादव का ये ट्वीट आया है, एल्विस यादव के फैंस या बहुत सारे लोग भी हैं जो कि रेंटिंग गोला को ट्रोल करने लगे हैं, जिसके बाद रेंटिंग गोला का भी इस ट्वीट के ऊपर रिप्लाई आया है। यस, इस ट्वीट को कोट करते हुए लिखी है कि ईडी ने तुझे खुला छोड़ दिया। फिर एक इंस्टा स्टोरी में बोली कि क्या करूं मैं पाव पाव के पप्पीज का। अगले स्टोरी में लिखी पोल पे वोट जरूर करना मित्रों। अब इसके बाद देखने को मिला है कि रेंटिंग गोला एल्विस यादव और लव कटारिया का एक फोटो शेयर की है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि बिग बॉस OTT विनर एल्विस ओपन्स न्यू डोर्स फॉर LGBTQ कम्युनिटी, और उसके ऊपर लिखी कि यस एल्विस वी नो यू डू। इसके ओवरऑल इस तरीके से एल्विस यादव के एक ट्वीट के रिप्लाई में रेंटिंग गोला की तरफ से ये सभी चीजें आई हैं। अब जिनको नहीं पता उनको बता दे कि रेंटिंग गोला इसके पहले भी एल्विस यादव को ट्रोल कर चुकी है अपने रील के अंदर, जब एल्विस यादव का ईडी वाला केस चल रहा था। मैं हो सकता है कल के वीडियो में आपको बता दूंगा, बट इस पे अभी एल्विस यादव का रिएक्शन नहीं आया है, कह लो कि रिप्लाई नहीं आया है। तो आता है तो आपको बता देंगे, बट आपका रिएक्शन इसके ऊपर क्या है कमेंट बॉक्स में बताना।